Good morning, students. Welcome back to your English grammar class. Today we are studying our chapter first, that is parts of speech. हम जो videos गए हैं उसमें शायद आपका chapter first miss हो गया है, तो इसलिए मैं आपको एक बार वापस आपका chapter first करवा रही हूँ. Chapter first क्या है आपका? Parts of speech. ये ऐसा आपका revision भी है, तो मैं आपको shortly ये chapter explain कर दूँगी. Okay, तो parts of speech क्या होता है students? जैसे कि हमने एक sentence दिया, Meeta is dancing. क्या लिखा आपने? मीता इज डांसिंग. देखो ये जो हमने सेंटेंस दिया ना, ये पूरा एक सेंटेंस है, बट इसमें डिफरेंट पार्ट है. मीता क्या है? इसमें नाउन है. इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. डांसिंग क्या है? मेन वर्ब है. तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके हर एक वर्ड का ना एक अलग मीनिंग होता है. जैसे कि मीता किस में आ गया? नाउन के पार्ट में आ गया. इस किस में आ गया? हेल्पिंग वर्ब में आ गया. डांसिंग किस में आ गया? मेन वर्ब में आ गया. तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके उसमें जो एक एक वर्ड होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. किसमें? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ओके, तो ये जो पार्ट्स जिनमें ये वर्ड्स डिवाइडेड होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. अ सेंटेंस, द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स. दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या बोलते हैं उन्हें? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया. कितने पार्ट्स में, कितने नंबर्स के हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 8. कौन कौन से? फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये क्या है? हमारे 8 टाइप्स के क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच. कितने हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच? 8. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ओके, तो ये 8 हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो अभी हम शॉर्टली इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे. आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें स्पीचेस को और ज्यादा डिटेल में दिया गया है, तो अभी हम सिर्फ शॉर्ट में समझते हैं क्या होता है. सबसे पहले आता है नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, फीलिंग. यानी किसी भी पर्सन, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी एनिमल का, किसी भी आइडिया का जो नेम होता है, जिस जो नेम की हम बात करते हैं, जो नाम होता है वो क्या होता है? नाउन. जैसे कि मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा नाम है आंचल, तो मेरा तो मेरे नाम में जो मेरा नाम है वो क्या हो गया? नाउन. आंचल क्या है? एक नाउन है. ठीक है, या फिर जिस स्कूल में आप पढ़ते हो इसका नाम क्या है? भारत विद्यापीठ स्कूल. तो भारत विद्यापीठ इसका क्या है? नाम है, तो वो क्या हो गया? नाम. किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का जो नेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विराट हिट द बॉल हार्ड. विराट ने बॉल को बहुत जोर से मारा, तो विराट क्या है? उस प्लेयर का नेम है. जिस प्लेयर ने बॉल को जोर से मारा उस प्लेयर का नाम क्या है? विराट. क्या नाम है उसका? विराट. तो विराट क्या है हमारा? नाउन. तो नाउन क्लियर हुआ? नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया का नेम. तो यहाँ पे क्या है? विराट एक प्लेयर है, उसका नाम क्या है? विराट. तो विराट क्या है? नाउन है. ओके, सेकंड आता है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर, नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी पर्सन का नेम. उसकी जगह पर जब हम किसी दूसरे वर्ड को यूज करते हैं तो वो दूसरा वर्ड ही क्या होता है? प्रोनाउन. क्या होता है? प्रोनाउन. जैसे मैंने बोला सुनील इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. सुनील एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है. तो देखो यहाँ पे तो हमने क्या यूज किया? सुनील. सुनील क्या है? नाउन है, क्योंकि ये उस पर्सन का नेम है. फिर हमने क्या किया? सुनील इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. ही को किसको एड्रेस कर रहा है? सुनील को. सुनील के बारे में बता रहा है कि सुनील एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है. ही इज इल. तो ही किसको एड्रेस कर रहा है? सुनील को. पर हमने क्या किया यहाँ पे? सुनील नहीं लिखा. सुनील यानी नाउन को हटा के हमने क्या लिख दिया? ही. तो ही हमारा क्या है? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्लियर हुआ सबको क्या होता है? जब हम नाउन को हटा के उसकी जगह पे दूसरे वर्ड्स को रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नोट कीजिए आप इसे. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी नाउन के
क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। जैसे हम किसी ना कुछ हमारे पास नाउन है, कोई थिंग है, हम उसके बारे में थोड़ा सा इलेबरेट करके बता रहे हैं, उसकी अच्छाई बता रहे हैं, उसकी बुराई बता रहे हैं। जब हम उसको थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, उसकी थोड़ी उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डिटेल बताते हैं, तो डिटेल बताने वाले वर्ड्स को, उसे ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को, इलेबरेट करने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट। एप्पल क्या है? एक मीठा फ्रूट है। हमें पता है एप्पल क्या है? एक फ्रूट है, हमें पता है, पर उसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया, एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट। एप्पल क्या है? एक मीठा फ्रूट है। तो हमने क्या किया, जो एप्पल है, जो हमारा नाउन है, उसको हमने और ज्यादा डिस्क्राइब किया, किससे? स्वीट से, कि एप्पल फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? मीठा और ज्यादा स्वीट है। तो जब हम किसी भी नाउन को, किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताते हैं, थोड़ा सा उसको इलेबरेट करते हैं, तो इलेबरेट करने वाले वर्ड्स, डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी को बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं उन्हें? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और इलेबरेट अ नाउन और अ सब्जेक्ट। क्यों काम आते हैं ये, क्या काम आते हैं, क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन की को डिस्क्राइब करते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी को हमें बताते हैं। जैसे क्या है, एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट। कैसा फ्रूट है? मीठा। तो क्या बताए इसने हम उसे? क्वालिटी बताए। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वर्क। वर्क क्या होता है? हम जो काम करते हैं, जो हमारा काम है, उन काम को क्या बोलते हैं, उसी काम को क्या बोलते हैं? वर्क। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना मेरा क्या है? वर्क है। मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो इसमें मेरा वर्ब क्या है? मेरा पढ़ाना क्या है? मेरा वर्ब है। आई एम टीचिंग यू, तो टीच पढ़ाना क्या है? एक वर्ब है। ओके, तो ये क्लियर हुआ वर्ब क्या होता है? जब हम कुछ वर्क करते हैं, तो वर्क को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स ही क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैरी सिंग्स अ सॉन्ग। मैरी गाना गाती है। क्या करती है वो? गाती है, सिंग करती है। तो सिंग करना क्या है? उसका वर्ब बता रहा है। तो सिंग क्या है? हमारा वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ड्स आर वर्ड्स दैट शो द वर्क डन बाय अ पर्सन। ऐसे वर्ड्स जो हमारे, हम जो काम करते हैं उसे शो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वर्ब्स। तो क्लियर है सबको? मैंने आपको फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ डाउट है, तो वो वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, जिसके बाकी के फोर पार्ट्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। I will see you in the next class. Thank you.